मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन व्रत रख कर हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा से जातक के सभी संकट टल जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन विधि विधान से भगवान हनुमान जी की पूजा करने से काम में आ रही हर तरह की बाधा दूर होती है। साथ ही भक्तों को रोग दोष भूत पिशाच और भय से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, इसे दूर करने के लिए मंगलवार के उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़े कुछ उपाय करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद पीपल के पेड़ से नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पूर्व दिशा में मुंह करके तुलसी की माला से श्री राम नाम का कम से कम 11 बार जप करें। हर मंगलवार को ऐसे करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर करने का आशीर्वाद देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना से भी बहुत लाभ मिलता है। आज के दिन अपने पूजा घर में इसी यंत्र को स्थापित करें और हर दिन इसकी पूजा करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपकी सारी समस्याएं जल्द दूर हो जाएगी। मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अथवा गुलाब की माला चढ़ाने से भी वो अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। इसके अलावा शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए भी मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर श्रद्धा पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हनुमान जी की कृपा जिस पर भी होती है, उसका शनि और यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे में यदि आप शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं। इसके अलावा इस दिन लाभ प्राप्ति के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित करें। ऐसा आप 21 दिन तक करें और जब 21 दिन पूरे हो जाए तो भगवान हनुमान को चोला चढ़ाए। हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति बढ़ेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपको अंधेरे या भूत प्रेत से डर लगता है या किसी भी प्रकार का भय है, तो आप मंगलवार के दिन पूजा के समय ओम हन हनुमंते नमः का 108 बार जाप करें। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह कार्य केवल पुरुष को करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार का दिन ऋण चुकाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि आपके ऊपर किसी का कर्ज हो गया है तो मंगलवार को चुकाना चाहिए। इससे कर्ज जल्दी चुक जाता है। मंगलवार के दिन दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा में यात्रा की जा सकती है। मंगलवार के दिन भूलकर भी मांसाहार मदिरा या किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार को नमक नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कार्य में विघ्न बाधा का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। मंगलवार को किसी व्यक्ति को कर्ज नहीं देना चाहिए। इस दिन दिया गया कर्ज वापस मिलने में बहुत परेशानी होती है। माना जाता है कि मंगलवार व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। गुड़ और गेहूं का भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आप मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फल और दूध आदि का सेवन भी किया जा सकता है। इस दिन घर में लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
दोस्तों मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। मंगलवार के दिन सुबह किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को गेहूँ, गुड़, माचिस, तंबा, स्वर्ण, गौ, मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य और भूमि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही उनकी कृपा प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को सिर धोने की मनाही होती है। माना जाता है मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जिन पुरुषों का जन्म मंगलवार के दिन होता है वे पुलिस, सेना, मैकेनिक, इंजीनियर, मार्केटिंग या मशीनरी में अधिक सफल होते हैं। इस दिन जन्मे लोग स्वावलंबी होती है और अपने फैसले खुद लेते हैं। इन लोगों को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।